एक मिनट की इसकी भूमिका है, इसको आप सुन ले ताकि गीत का पूरा आनंद आप ले पाए। बिना भूमिका भी आनंद लेंगे आप, लेकिन पूरा आनंद तभी आएगा जब इसको आप सुन लेंगे। कर्म का सिद्धांत इसको अच्छी तरह समझना, एक ही लाइन में, कि हमें अपने शुभ और अशुभ कर्मों को हर हालत में भुगतना ही पड़ेगा। जैसे आपने 25 शुभ कर्म किए, 15 अशुभ किए, तो इसमें जोड़ बाकी नहीं होती, प्लस 10 नहीं भुगतने आप। कोई कर्म किसी कर्म से कटेगा नहीं, आपको टोटल 40 सारे भुगतने हैं। अब इसमें मोक्ष की फिलॉसफी ये है, गणित ये है मोक्ष का, ये वेदांत की बात कर रहा हूँ। ये है कि जितने आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो तो इस जन्म में भुगत लो, उनका बैलेंस जीरो करो। किसी कठिनाई से मत डरो, किसी पीड़ा से मत डरो, सारी पीड़ाएं भोगो, प्रार्थना मत करो कि मेरी पीड़ा हर ले, ताकि आपका वो बैलेंस जीरो हो। सेकंड, इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो उनके फल की इच्छा का त्याग करो और उन्हें भगवान को समर्पित करो, ताकि वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं हो। इतनी सरल भाषा में समझा दिया। जब टोटल बैलेंस जीरो होगा तो मोक्ष के लिए एंटाइटल्ड होंगे। अगर आपका शुभ कर्म भी बच गया तो आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के। ये है वेदांत में, ये अपना नहीं, तो वो जो अपन ने पढ़ा है। अब गीत सुनना जो अपन ने रचा है। जितने घाव दिए हैं तुमने वे मैंने इसलिए सहेजे, जितने घाव दिए हैं तुमने वे मैंने इसलिए सहेजे, नयन नीर से पीड़ाओं की औषधियां तैयार करूंगा। जितने घाव दिए हैं तुमने, और पंक्तियां सुना के, जितने घाव दिए हैं तुमने, मैं तो ऐसा घर हूँ जिसमें मात्र वेदनाएं रहती हैं। साहित्य की पंक्ति है कि मैं तो ऐसा घर हूँ जिसमें मात्र वेदनाएं रहती हैं, निकली जो नैनों से नदियां पहले वे भीतर बहती हैं। जितने घाव दिए गए तुमने वे सब वंश वृद्धि में रत गए, घावों की इस वंश बेल का सींच सींच सत्कार करूंगा। जितने घाव दिए गए तुमने वंश वृद्धि में रत है। और पंक्तियां सुन, दे कैसे दिए तुमने घाव, हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने कुछ पीड़ाएं दी हूँ, तुम में क्या ताकत थी जो मुझे घाव देते थे, हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने कुछ पीड़ाएं दी हो, संभव है वे पुनर्वरण में तुमने मुझे समर्पित की हो। जितने घाव दिए गए तुमने वे उस ऋण का चुकतारा है, जितने घाव दिए गए तुमने वे उस ऋण का चुकतारा गए, पाऊंगा जीऊंगा लेकिन आगे नहीं उधार करूंगा। जितने घाव दिए गए तुमने, और पंक्तियां सुनना, जीवन खाता बही सरी का लेन देन सारे गए अंकित, सौदा कोई नया न कर लूं सोच सोच कर हूं आतंकित। जितने घाव दिए गए तुमने सहन शक्ति को परख रहे वे, हंस कर सहन करूंगा लेकिन नया नहीं व्यवहार करूंगा। जितने घाव दिए गए तुमने, एक बार दोबारा पढ़ना सुरेंद्र, सुनना था और पंक्ति सुनना, और एक एक आदमी की दाद चाहूंगा, ये सच आपके भीतर भी विस्फोट करता हो तो इस विस्फोट से उसके उसको मिलाना। किसे पता है इस दुनिया में कितनी बार और आना है, सच है सच, आए तो भी क्या होंगे गम,
रहस्य किसने जाना है। जितने गाँव दिए हैं तुमने वे सब गए अनमोल धरोहर। भीतर भीतर ही देखूंगा व्यक्त किंतु आभार करूंगा। जितने गाँव दिए गए अंतिम और मेरे काव्य पाठ का भी अंतिम, इन अंतिम पंक्तियों को सहेज लेना, अपने साथ ले जाना और मुझे विदा करना अगर मैंने ठीक ठाक पढ़ दिया होगा। बढ़िया पढ़ा हमने। सुनना, जो मोक्ष के मार्ग पे होता व्यक्ति उसकी पहचान क्या होती है आलोक जी? जो भी मोक्ष के मार्ग पे चला उसका व्यक्तित्व कैसा होता है इसको लिखा मैंने। मेरे पास पुष्प है केवल तुम चाहे सारे ले जाओ। मैं ना कभी उल्हाने दूंगा चाहे प्रतिपल शूल चुभाओ। जितने घाव दिए गए तुमने वे सब के सब हरे हरे गए। जितने मैंने उनका इलाज नहीं किया, क्यों नहीं किया इस पंक्ति को संभालना। जितने घाव दिए गए तुमने वे सब के सब हरे हरे गए। प्रायश्चित के पावन पथ का मैं इनसे श्रृंगार करूंगा। जितने गाँव दिए गए तुमने वे मैंने इसलिए सहेजे। नयन नीर से पीड़ाओं की औषधियां तैयार करूंगा। बहुत अच्छा।